तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हमारा ट्रिगो चल रहा है जिसके तीन पार्ट हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट चार, और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर दो हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एक तो अपना जो बेसिक मेथड है उससे कर सकते हैं, और दूसरा जो है वैल्यू पुटअप करके भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद क्या है अपना जो वैल्यूज हम पुटअप करके देखेंगे वो मेथड भी देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर है टू। तो इसको और आगे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है, इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो आएगा टू टेन थीटा माइनस में टू कोट थीटा, माइनस में होगा टू कोट थीटा। टेन थीटा को एक तरफ करेंगे तो यहां पे टू टेन थीटा है और यहां पे है टेन थीटा, तो ये माइनस का होगा, तो यहां पे इस साइड में हो जाएगा माइनस टेन थीटा बराबर है, इस साइड में कोट थीटा हो जाएगा माइनस का, तो यहां पे हो जाएगा माइनस थ्री कोट थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस थ्री कोट थीटा। माइनस से हमारा माइनस कटता है और यहां पे है टेन थीटा बराबर में है थ्री कोट थीटा। इनमें से किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा बराबर है थ्री कोट थीटा, और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं वन बाई टेन थीटा। वन बाई क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। इस साइड में आएगा तो आएगा हमारे पास क्या? टेन स्क्वेयर थीटा। टेन स्क्वेयर थीटा बराबर है थ्री, तो टेन थीटा का जो मान है वो आता हमारे पास कितना? रूट थ्री। और रूट थ्री जो है वो किसके बराबर होता है? टेन सिक्सटी डिग्री के। किसके बराबर होता है? टेन सिक्सटी डिग्री के। यहां पे है टेन थीटा, तो यहां पे टेन से टेन कटता, तो थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास दोस्तों, थीटा की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास कितनी? सिक्सटी डिग्री। और हमारे से पूछा हुआ है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? साठ डिग्री। तो साइन थीटा का मान पूछा हुआ, तो साइन सिक्सटी डिग्री का मान पूछा हुआ। साइन सिक्सटी का मान जो है वो कितना होता है? रूट थ्री बाई टू। यही हो जाता दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को हम वैल्यूज पुटअप करके भी सोल्व कर सकते हैं। हम ऐसी वैल्यू पुटअप करें कि मान जो है हमारा कितना आए? दो आए। मान जो है टेन थीटा और कोट थीटा की ऐसी वैल्यूज पुटअप करें कि हमारा जो मान है वो कितना आए? दो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर टेन जीरो डिग्री की बात करें तो मान होता है जीरो, और कोट का जो मान होता है वो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास है कोट जीरो का मान कितना हो जाएगा? जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, तो जीरो तो हो नहीं सकता। इसके बाद है टेन फोर्टी फाइव, टेन जीरो के बाद आता हमारा तीस। तीस का जो मान है, टेन तीस का जो मान है वो कितना होता है? वन बाय रूट थ्री। और कोट तीस का जो मान है वो होता है रूट थ्री। एक तो ये वैल्यू है, एक आपका टेन फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव का जो मान है, टेन फोर्टी फाइव और कोट फोर्टी फाइव का मान बराबर होता है वो कितना होता है? एक। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्लस एक करेंगे तो यहाँ पे तो ऊपर तो दो आता है, लेकिन नीचे जो है एक माइनस एक कितना होता है? जीरो। तो टू अपॉन जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी, तो टेन फोर्टी फाइव भी नहीं हो सकता। इसके बाद है सिक्सटी, सिक्सटी का टेन है, टेन सिक्सटी और कोट सिक्सटी, टेन सिक्सटी का जो मान है वो होता है रूट थ्री, और कोट सिक्सटी का जो मान है वो कितना होता है? वन बाय रूट थ्री। तो हमारी एक तो ये वैल्यू हो सकती है, एक ये होती है। अभी बताता हमारे पास 90 डिग्री, टेन 90 का जो मान है वो कितना होता है दोस्तों? इन्फिनिटी। टेन 90 का जो मान है वो कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस जीरो, तो कोई भी वैल्यू पुटअप, कोई भी वैल्यूज निकल के नहीं आ रही है। तो हमारे पास जो है दो ही मान बचते, या तो हम क्या रखें? 30 डिग्री, या फिर रखें 60 डिग्री, तभी हमारे पास जो है मान जो है वो क्या आ सकता है? दो आ सकता है। तो सबसे पहले हम 30 का मान रख के देखते हैं, तो टेन की जगह मैं 30 रखता हूं, तो टेन 30 डिग्री, इसको लिख सकता हूं मैं टेन 30 डिग्री प्लस में क्या है? कोट 30 डिग्री। प्लस में है कोट 30 डिग्री, अपॉन में क्या है? टेन 30 डिग्री, माइनस में क्या हो जाएगा? कोट 30 डिग्री। तो टेन 30 का जो मान है वो कितना होता है? वन बाय रूट थ्री। वन बाय रूट थ्री प्लस में इसका जो मान होता है कोट 30 का होता है रूट थ्री, अपॉन में आएगा वन बाय रूट थ्री, माइनस में आएगा रूट थ्री। तो ऊपर तो जो है दोस्तों हमारे पास आएगा एक प्लस तीन चार, और ये जो रूट थ्री है रूट थ्री से कटने वाला है, और नीचे आएगा एक माइनस तीन दो। तो यहां ऊपर आएगा चार और नीचे आएगा माइनस दो, तो मान जो है माइनस दो आया। अगर हम
थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो मान जो है हमारा कितना आया माइनस दो, जबकि आना कितना चाहिए था प्लस का टू। तो अभी हमारे पास वैल्यू बचती है थीटा की कितनी 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 60। इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप चाहें तो सोल्व भी कर सकते। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहां पे 60 डिग्री रखता हूं तो टेन 60 डिग्री प्लस में क्या है कोट 60 डिग्री, अपॉन में आएगा टेन 60 डिग्री, माइनस में आएगा कोट 60 डिग्री। तो टेन 60 का जो मान है वो कितना होता है रूट थ्री, और कोट 60 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, अपॉन में आएगा टेन 60 का मान है रूट थ्री, माइनस में आएगा 1/√3। इसको सोल्व करते हैं तो यहां पे आएगा 3 + 1 = 4, और नीचे आएगा 3 - 1 = 2, तो 4/2 बराबर आता है 2, और यही हो जाता है अपना फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल के आई, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई 60 डिग्री। तो अगर मैं साइन 60 का मान निकालूं यहाँ पे साइन 60 डिग्री का, तो वो कितना होता है, क्योंकि थीटा की जगह हमारे को क्या निकालना है, क्या रखना है 60 डिग्री रखना है, तो वो होता है √3/2। ये होता है दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज इसी टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो सभी स्टूडेंट्स आराम से कर सकें। और दोस्तों आप HSSC SI या कॉन्स्टेबल या HSSC के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे एडवांस मैथ का जो कि HSSC बार बार पूछ रही है वो पूरा का पूरा कोर्स हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास है cos square थीटा अपॉन में क्या है cot square थीटा, माइनस में है cos square थीटा, बराबर है 3। तो फिर पूछा हुआ है थीटा का जो मान है वो क्या होगा, फिर हमारे से पूछा हुआ है थीटा का जो है मान जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी से करते हैं, उससे आसान भी रहेगा। तो इसको क्या लिखते हैं हम cos square थीटा, इसको लिख सकते हैं हम बराबर है इस साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 cot square थीटा माइनस में 3 cos square थीटा। जिस भी स्टूडेंट्स का बेस जो है वो मजबूत नहीं है, वो मेरे पीछे के जो पार्ट्स हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स वो देख सकता है, वहां से पूरा का पूरा बेस जो आपका क्लियर हो जाएगा। और अभी हम एडवांस मैथ की क्लास कर रहे हैं तो इसमें एडवांस ही चलेंगे बिल्कुल शॉर्ट से, तो इसमें ज्यादा गहराई से नहीं बताया जाएगा। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मतलब सीरियस होकर पढ़ रहे हैं या जिनका बेस पहले से ही मजबूत है। तो इसको और हम सॉल्व करते हैं तो इस 3 cos square theta को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 cos square theta। क्या होगा 4 cos square theta बराबर में आएगा हमारे पास ये प्लस का होगा, बराबर है 3 cot square theta, और 3 cot square theta को मैं लिख सकता हूं cos square theta अपॉन में क्या है sin square theta। क्या लिख सकते हैं cos square theta अपॉन में क्या है sin square theta। तो यहां पे cos square theta से हमारा cos square theta कटता है, ये sin square theta जो है 4 के साथ आएगा, तो sin square theta इस साइड में आएगा और उस साइड में बचता हमारे पास 3/4। 4 को मैं इस साइड में लेके चला गया नीचे आएगा, sin square theta बराबर है 3/4, तो sin theta जो है वो आ जाएगा हमारा कितना √3/2। कितना आएगा √3/2, क्योंकि यहाँ पे square है तो 2 है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आता है √3/2। और हमारे से पूछा हुआ थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर है √3/2 जो है साइन 60 की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन करता है तो हमारा आता है थीटा बराबर जो है वो कितना आएगा 60 डिग्री। यही हो जाता है दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी अभी देख लेते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स का बेस मजबूत है और जिसने अपने पीछे के पार्ट्स किए हुए हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के हमने पीछे पार्ट किए हैं, क्वाड्रेंट है और जो फार्मूले सॉल्यूशन थे वो किए हैं, तो उस स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन जो है कोई भी मायने नहीं रखते हैं, वो आराम से कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट सीधा ये पार्ट देख रहा है वो पीछे वाले पार्ट्स पक्का देखें ताकि इनमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, 2 × में क्या है cos square theta, माइनस में है sin square theta, और बराबर है 1। बराबर क्या है 1, ये हमारे को दिया हुआ है और पूछा हुआ है थीटा का मान बताइए। क्या पूछा हुआ है थीटा का जो है वो मान क्या होगा। तो एक तो हम इसको खोल के भी कर सकते हैं,
जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो आएगा हमारे पास 2 cos square theta माइनस 2 sin square theta माइनस 2 इंटू में मैं sin square theta को लिख सकता हूं 1 माइनस cos square theta, तो इंटू में 1 माइनस cos square theta और बराबर में क्या है हमारे पास 1, तो यहां पे इसको ये आएगा 2 cos square theta माइनस 2 और माइनस माइनस होगा प्लस प्लस 2 cos square theta प्लस 2 cos square theta बराबर में क्या है 1, यहाँ पे आता है 2 और 2 4, 4 cos square theta, 4 cos square theta 2 उस साइड में जाके हो जाएगा प्लस का, बराबर आता है 3 और cos square theta बराबर आएगा कितना 3/4 और cos theta की अगर बात की जाए तो वो आएगा हमारा कितना √3/2, कितना आएगा √3/2, हमारे से पूछा हुआ है theta का मान, तो cos theta बराबर है इसको मैं लिख सकता हूं cos 30 डिग्री, साइन 60 और कोस 30 का जो मान है हमेशा कितना होता है √3/2, तो कोस से हमारा कोस कटता है, तो थीटा का जो मान है दोस्तों यहां पे हमारे पास निकल के आता है 30 डिग्री, यही हो जाता है अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी जिस भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना प्लीज, बार बार रिपीट नहीं करूंगा ये चीजें किसी के, मतलब आपको अच्छा लगे तो करना, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है √3, बराबर है √3, तो टेन थ्री थीटा तो पूछा हुआ है टेन 3 थीटा का जो मान है वो क्या होगा, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है √3, तो पूछा हुआ है टेन 3 थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको जो तीन आइडेंटिटी बताई हुई है मैंने पहले ही, क्या था, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, एक है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1, और एक होती है हमारी सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1। ये तीनों की तीनों आपको पता होनी चाहिए ताकि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। तो हमारे को पता है, वी नो दैट सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, हमारे को पता है सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो है वो कितना होता है 1, और आपको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है वो भी शायद पता होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में क्या होता है ए प्लस में बी, ए माइनस बी इंटू में होता है ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में क्या लिख सकता हूं सिकेंट थीटा प्लस में क्या है टेन थीटा बराबर कितना है हमारे पास 1, और सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास √3, तो सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे के ऐसे रखा मैंने, और सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास √3, तो इंटू में √3 आएगा तो उस साइड में हो जाएगा अपॉन में, तो 1/√3 आएगा, तो सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आया हमारे पास कितना है 1/√3। ये मान लेते हैं अपना समीकरण एक है और ये क्या है 2 है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अभी क्या है हमारे पास, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यहां पे क्या कि प्लस टेन थीटा, यहां पे माइनस टेन थीटा, तो अगर मैं ऐड करता हूं एक और दो को, इक्वेशन 1 और 2 को यदि मैं ऐड करता हूं तो 10 से तो हमारा 10 कटेगा, यहां पे बचेगा हमारे पास 2 सेकंड थीटा, यहां पे बचता है 2 सेकंड थीटा, और उस साइड में बात करें तो √3 यहां पे आता है √3 प्लस 1/√3, तो 2 secant थीटा बराबर आएगा हमारे पास आएगा √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 + 1 = 4/√3 और ये 2 जो है बटे में जाएगा तो गुणा में होएगा हमारे पास 2 × 2 = 4, तो यहां पे आता हमारे पास secant थीटा जो है वो कितना आता है 2/√3, क्या आता है 2/√3। हमारे को पता है कि सेकेंट थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, और √3/cos θ कोस 30 का जो मान है वो कितना होता है √3/2, और उसका अगर सेकेंट थीटा उल्टा है तो इसका जो मान है सेकेंट
30 डिग्री का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2/√3। तो इसको मैं लिख सकता हूं secant थीटा बराबर है secant 30 डिग्री। क्या लिख सकता हूं, secant थीटा बराबर है secant 30 डिग्री। तो secant से secant करता है, हमारे पास थीटा बराबर है 30 डिग्री। थीटा का जो मान है वो कितना आएगा, 30 डिग्री। हमारे से पूछा हुआ है tan 3 थीटा का मान बताइए, tan 3 थीटा का। तो थीटा की जगह पे थीटा की जगह जो है हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो tan 3 इंटू में 30 करेंगे तो tan 90 डिग्री का हमारे से मान पूछा हुआ, और tan 90 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। क्योंकि sin 90 का जो मान है वो कितना होता है, 1, और cos 90 का मान होता है 0, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो 1/0 जो है वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। तो मान जो है tan 90 डिग्री का आएगा इन्फिनिटी। यही हो जाता है दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। नेक्स्ट जो है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/2, बराबर दिया हुआ है 7/2। तो हमारे से पूछा हुआ है कोसिकेंट थीटा का मान बताइए। तो हमारे से पूछा हुआ है कोसिकेंट थीटा का मान बताइए। तो यहां पे भी कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज होनी है। तो उसको मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इनटू में क्या है, कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर जो है वो किसके होता है, एक के। कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा को मैंने यहां पे क्या लिख दिया, खोल के। और कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का जो मान है वो कितना हमारे पास, 7/2। तो इसकी जगह अगर मैं 7/2 लिखता हूं, यहां पे 7/2 लिखता हूं, तो उस साइड में जाके हो जाएगा 2/7। क्या हो जाएगा, 2/7। तो ये जो कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर जो है वो कितना आएगा हमारे पास, 2/7। क्या आएगा बराबर जो है वो आएगा 2/7। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो कोट थीटा से कोट थीटा करता, हमारा क्या करता, कोट थीटा से कोट थीटा करता है। यहां पे बचता है हमारे पास क्या बचेगा, 2 cosecant theta बराबर है 7/2 प्लस में क्या है, 2/7। इसको और सोल्व करते हैं तो 2 cosecant theta बराबर है 7 × 7 49 और 2 × 2 = 49 और 4 = 53 बटे में आएगा 14। और कोसिकेंट थीटा का जो है मान पूछा हमारे से, तो कोसिकेंट थीटा जो है वो ये दो जो है नीचे जाएगा 14 के साथ, तो हो जाएगा 53/28। क्या हो जाएगा, 53/28। हमारे से यही पूछा हुआ था कोसिकेंट थीटा का जो है मान बताइए। तो कोसिकेंट थीटा का जो मान है वो आएगा 53/28। यही हो जाता है दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेबस लंबा है। दूसरी एक मेरे सामने एक प्रॉब्लम हो रही थी, कई स्टूडेंट्स बोलते थे कि स्पीड स्लो है, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्या है, x sin 45 डिग्री बराबर है y cosecant 30 डिग्री बराबर क्या है, y cosecant 30 डिग्री। तो फिर पूछा हुआ है x upon y whole power 4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों x sin 45 का जो मान है वो कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2 बराबर है y cosec 30 डिग्री। sin 30 का जो मान है वो होता है 1/2, तो cosec 30 का जो मान है वो हो जाएगा कितना, 2। तो यहां पे अगर x अपॉन y करते हैं तो आएगा हमारे पास कितना, 2√2। और क्या करना है हमारे को, x upon y whole power 4 का मान निकालना। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, यहां पे भी पावर 4 करेंगे, यहां पे भी पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो यहां पे आएगा x की पावर 4 अपॉन में y की पावर 4 बराबर है 2 की, अगर मैं 4 बार गुणा करूं तो आएगा 2 × 4 = 8 = 16। ये आएगा 16। और रूट 2 की अगर मैं 4 बार गुणा करूं तो आएगा 4। कितना आएगा, 4।
जो रूट टू इंटू में रूट टू इंटू में रूट टू इंटू में रूट टू, ये आएगा दो, और ये भी कितना आएगा दो, तो दो दूनी चार, तो 16 चौके 64, एक्स अपॉन वाई होल पावर 4 बराबर आता है 64। ये हो जाता है दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइन 2x माइनस 20, साइन 2x माइनस 20 बराबर है कोस 2y, बराबर है कोस 2y प्लस 20 दिया हुआ है, तो टेन एक्स प्लस वाई का मान क्या हुआ? तो पूछा हुआ हमारे से टेन एक्स प्लस वाई, तो पूछा हुआ टेन एक्स प्लस वाई का जो मान है वो क्या होगा, ये हमारे से पूछा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो एंगल को चेंज कर सकते हैं, यहां पे साइन है तो इसको भी साइन बना सकते हैं, या फिर क्या करें इसको कोस में चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, जिसको चाहे आप कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी चेंज करूं कोस में, तो इसको मैं साइन 2x माइनस 20 को मैं लिख सकता हूं कोस 90 डिग्री माइनस में क्या है 2x माइनस 20, कोस 90 डिग्री माइनस में क्या है 2x माइनस 20 डिग्री, ये बड़ी ब्रैकेट है और अंदर है छोटी, बराबर दिया हुआ है कोस 2y प्लस 20। तो हमारा यहां पे कोस से तो कोस कटता है, तो यहां पे बचता हमारे पास 90 डिग्री माइनस 2x, माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस 20 बराबर है 2y प्लस 20, 2y प्लस 20। तो यहां पे 20 से तो हमारा 20 कटेगा, और इसको क्या बोलते हैं 2x को उस साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2y बराबर में बचेगा 90 डिग्री, और x प्लस y का जो मान है वो दो पे कटेगा तो ये आएगा 45 डिग्री। x प्लस y का जो है मान कितना आएगा 45 डिग्री। हमारे से पूछा हुआ tan x प्लस y का मान, तो tan x प्लस y का मान पूछा हुआ है, तो tan x प्लस y की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 45 डिग्री, और 45 का जो मान है वो कितना होता है, tan 45 का जो मान है वो होता है 1। यही हो जाता है दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड 7x प्लस 20, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, सेकेंड 7x प्लस 28 बराबर है कोसेक 30 डिग्री माइनस 3x, तो फिर x का मान बताइए। तो फिर पूछा हुआ है x का मान क्या होगा, x का जो मान है वो क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे किया हमने, उसी तरह से कर सकते हैं, इसको sec को या तो cosec में चेंज कर लो, या फिर cosec को क्या है sec में चेंज कर लो। तो हम फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं cosec 90 डिग्री माइनस में क्या है 7x प्लस 28, ये है बड़ी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट बराबर में है cosec 30 डिग्री माइनस में क्या है 3x, कोसेक से हमारा क्या कटेगा, कोसेक कटेगा, तो यहां पे आएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 7x माइनस 28 बराबर है 30 डिग्री माइनस में 3x। x को हम एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो यहां पे बचेगा हमारे पास प्लस का होगा, तो यहां पे बचेगा माइनस का 4x, और उस साइड में अगर 90 में से 28 जाता है तो बचता है हमारे पास 62, कितना बचेगा 62, और 62 में से ये उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का आएगा 62 में से माइनस 30, माइनस का 62 है प्लस का 30 है, तो माइनस का बचेगा हमारे पास 32, तो माइनस आएगा 32, और x जो है वो आएगा 4 8 32, x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8। तो यही होता है दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है हमारे पास इस टाइप में एक दो क्वेश्चन और बचते हैं, वो भी करते हैं, फिर आज की वीडियो हम क्लोज करते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा, इंटू में क्या है tan 2 थीटा बराबर है 1,
तो फिर साइन थ्री थीटा का मान बताइए। तो फिर क्या है साइन थ्री थीटा का मान बताइए। टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा बराबर है वन, तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इंटू में वन बाई कोट टू थीटा, और बराबर उस साइड में जाके हो जाएगा हमारा कोट टू थीटा। और इसको और सोल्व करें तो टेन थीटा बराबर है, इस कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं टेन कोट टू थीटा को टेन 90 डिग्री माइनस में क्या है टू थीटा, माइनस में लिख सकते हैं हम टेन 90 डिग्री माइनस टू थीटा, तो बराबर किसके होता है कोट थीटा के। तो टेन से हमारा टेन कटता, तो यहां पे बचता थीटा, थीटा बराबर है 90 डिग्री माइनस टू थीटा, इस साइड में लेके आएंगे तो थ्री थीटा बराबर है 90, थ्री थीटा बराबर है 90। और थीटा के मान की बात करें तो वह आएगा 30, तो हमारे से पूछा हुआ साइन थ्री थीटा, और थ्री थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान बताना। साइन 90 डिग्री बराबर किसके होता है दोस्तों एक के, किसके बराबर होता है एक के। तो ये हो जाता है दोस्तों अपना फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा आप भी सभी अभी मतलब कई क्वेश्चन कर लिया है हमने, तो आप भी अभी ट्राई करके देखो भी क्वेश्चन कुछ पल्ले पड़ रहे हैं या नहीं। तो साइन ए माइनस बी क्या है हमारे पास, साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2, बराबर कितना है 1/2, और कोस ए प्लस बी, और कोस ए प्लस बी बराबर कितना है, ये भी कितना है 1/2। तो दोस्तों एक तो इसको चेंज करके भी कर सकते हैं, एक इसको सीधा डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे मेथड नजर आ रहा है कि साइन 30 का जो मान है वो कितना होता है 30 डिग्री, साइन 30 का जो मान है वो क्या है, साइन 30 का जो मान है वो कितना होता है 1/2। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ये वाला यहाँ पे लेके आऊं तो साइन ए माइनस बी बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री, तो साइन से साइन कटता, तो ए माइनस बी की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आती है 30 डिग्री, और कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बराबर है 1/2, तो 1/2 जो है कोस 60 का मान होता है, तो कोस से हमारा कोस कटेगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी का जो मान है दोस्तों, ए प्लस बी का जो मान है वो कितना आता है हमारे पास 60 डिग्री। अब इसको जोड़ते हैं तो बी से हमारा बी कटता है, तो 2a बराबर है 90 डिग्री, 2a बराबर है 90 डिग्री, और a बराबर आएगा कितना 45 डिग्री, a का जो मान है 45 डिग्री, a का मान कहीं पे भी रखेंगे, यहां पे रख दिया तो b का जो मान है 45 प्लस b बराबर है 60, तो b का जो मान है वो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, b का जो मान है वो आएगा 15 डिग्री। तो हमारे से पूछा हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे से पूछा हुआ है a व b का मान ज्ञात करें, तो a का जो मान है वो आया 45 डिग्री और b का जो मान है वो आया 15 डिग्री, यही हो जाते हैं दोस्तों अपने फाइनल आंसर। आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।